हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास नाइन्थ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी असेसमेंट वर्कशीट एड कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास नाइन्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट में असेसमेंट वर्कशीट में जैसे आप लोगों को पता ही है कि ट्वेंटी मार्क्स की आपकी वर्कशीट होती है और टेन क्वेश्चन होते हैं ठीक है पर केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव आपके पास केस स्टडी है तेन क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन आपको पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं मैं आपसे यही कहूंगी कि वर्कशीट आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ना चलिए देखिए यहाँ लिखा है इन अ क्लास रूम ऑफ क्लास नाइंथ एंड एक्टिविटी ऑन रियल नंबर इज डन विद द स्टूडेंट अ स्टूडेंट हैज टू पिक अ कार्ड एंड हैज टू आंसर द क्वेश्चन रिटर्न ऑन इट द कार्ड पिक्ड अप बाय फर्स्ट फाइव स्टूडेंट एंड दियर क्वेश्चन रिटर्न ऑन इट आर गिवन बिलो फाइंड इट्स करेक्ट ऑप्शन और आंसर इन क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव एक एक्टिविटी हुई क्लास नाइन्थ के बच्चों के साथ रियल नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो इस्टूडेंट को क्या करना था एक कार्ड पिक करना था और उस पर जो भी क्वेश्चन को, लिखा होगा उसका आंसर करना था ठीक तो है तो फर्स्ट फाइव स्टूडेंट्स ने जब वो कार्ड्स पिक किए तो फाइव कार्ड्स आए तो उस पर फाइव क्वेश्चन होंगे वही फाइव क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और उनके आंसर्स पूछ रहे हैं आपसे ठीक है फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं फर्स्ट कार्ड पर क्या लिखा था विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट टेन बताओ रूट टेन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है क्या ये नेचुरल नंबर है क्या ये इरेशनल नंबर है क्या ये रेशनल नंबर है या फिर ये कुछ भी नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है क्यों क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है इसलिए हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल बताओ इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है जो रूट से बाहर इजिली निकल रहा है वो रू इेशनल नहीं है फर्स्ट वाला तो नहीं कह सकते क्योंकि रूट सिक्स जो है ये हमारा इरेशनल होता है सेकेंड वाला भी नहीं कह सकते क्योंकि रूट ट्वेंटी थ्री भी इरेशनल होता है थर्ड वाला भी नहीं कह सकते वन ट्वेंटी अगर आप वन ट्वेंटी के फैक्ट्राइज यहाँ पर करो तो ये टू के टेबल में सिक्सटी पे आता है देन टू के टेबल में थर्टी पे टू फिफ्टीन जा थ्री फाइव जा फाइव वन जा तो सारे नंबर जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहे लेकिन हाँ अगर आप फोर्थ तो वाला देखो तो ये फोर प्लस फाइव है रूट थर्टी सिक्स को मैं सिक्स लिख सकती हूँ क्योंकि ये सिक्स का परफेक्ट स्क्वायर होता है ठीक है सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स तो फाइव सिक्स जो कितना 30 हो जाएगा थर्टी हो जाएगा आंसर आ जाएगा थर्टी फोर आ रहा है नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल नहीं है क्लियर नेक्स्ट है आपके पास वन अपऑन रूट थ्री इज और एंड डैश नंबर बताओ वन अपऑन रूट थ्री क्या है तो देखो जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम क्या करते हैं पहले रैशनलाइज करके देखते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन में थ्री आ जाएगा तो ये नेचुरल नेचुरल तो नहीं है होल भी नहीं है रैशनल भी नहीं है ये इरेशनल नंबर है हमारे पास क्लियर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ़ पी पी की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाए इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल बन जाए देखो टर्मिनेटिंग वही होता है जो टू एन इंटू फाइव एम की फॉर्म में होता है तो इतना तो कन्फर्म है यहाँ पर फाइव तो आएगा नहीं आएगा क्योंकि अगर आप फाइव लिख दोगे यहाँ पर तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा ठीक है टेन भी नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि टेन भी टू और फाइव की ही फॉर्म में है टू भी नहीं लिख सकते ठीक है बचा सेवन इसका मतलब इसका आंसर सेवन है जैसे ही आप पी की जगह सेवन लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल बन जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास यहाँ पर उसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पार क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो जीरो पॉइंट वन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन हो जाएगा ठीक है अब जब आप पॉइंट वन सिक्स में क्या करोगे पॉइंट जीरो नाइन प्लस करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स की पार आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है और टू फिफ्टी सिक्स आपको पता है सिक्सटीन का स्क्वायर होता है और ये पॉइंट टू फाइव को मैं ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड लिख सकती हूँ कट करूँगी तो वन अपॉन फोर आ जाएगा क्लियर है यहाँ तक पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कट करके ये टू बचा तो सिक्सटीन की पार वन बाई टू आ गया अभी सिक्सटीन भी फोर का स्क्वायर होता है तो फिर दोबारा यहां पार के ऊपर पार है कट गया आंसर आ गया फोर्थ तो ए आपका आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सेश ऑफ क्यू देखो यहाँ पर पी और क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपसे क्या पूछ रहे हैं आप एक की वैल्यू निकालो किसकी एप्सेशिया ऑफ पी माइनस एप्सेशिया ऑफ क्यू तो एप्सेशिया जो है ना वो एक्स की जो वैल्यू होती है उसी का ही दूसरा नाम होता है तो पी का एप्सेशिया टू है तो टू आ जाएगा माइनस ऐसी क्यू का एप्सेशिया माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स आ जाएगा ठीक है ना तो टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा आपके पास एट तो एट आपका आंसर आ गया क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी जो ये बी सी वाली साइड है ये आगे एक्सटेंड की कर दी गई तो डी पॉइंट तक लेके गए इफ़ एंगल ए इज थ्री वाई एंगल बी इज एक्स एंगल ए सी बी इज फाइव वाई एंड एंगल ए सी डीज़ सेवन वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखो तो देखो फाइव वाई प्लस सेवन वाई जो है ना ये तो वन एटी के बराबर होगा क्यों क्योंकि ये आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं मैं यहाँ से क्या करती हूँ वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ ठीक है तो सेवन प्लस ट्वेल्व टू में वन एटी आ गया वाई कितना आ जाएगा आपके पास वन एटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो अब वन एटी को क्या करोगे आप ट्वेल्व से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा फिफ्टीन तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हो तो थ्री वाई था ठीक है ये एंगल ए था ना आपके पास इसको एंगल ए के नाम से ही लिख लेते हैं तो एंगल ए इजिकल टू थ्री वाई था तो वाई की जगह मैं यहाँ पर फिफ्टीन लिख सकती हूँ ना तो फिफ्टीन थ्री जहाँ कितना होता है फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है उसके बाद एंगल सी अगर हम देखें ए सी भी देखें पूरा नाम लिखते हैं तो अगर हम ए सी भी देखें वो आपके पास था यहाँ पर फाइव वाई तो उसको हम लिख सकते हैं फाइव इन टू में फिफ्टीन ठीक है ना सिर्फ वाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही तो यहाँ पर आ जाएगा सेवनटी फाइव डिग्री दो एंगल्स निकल गए अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी की तो देखो आपको पता है कि जो एंगल ए है प्लस जो एंगल ए सी बी है इसके अंदर और जो एंगल बी है वो कितना होगा इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल ए मुझे पता चल गया 45 डिग्री है ये मुझे पता चल गया 75 डिग्री है एंगल बी मेरे पास एक्स है क्लियर है यहाँ तक अब 75 में जब आप 45 प्लस करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा प्लस का एक्स ऐसे ही रहने दो तो इजिकल टू में वन डिग्री तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी वन एटी माइनस का वन ट्वेंटी तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिक्सटी डिग्री क्लियर x की ही वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी थी ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट यहाँ आपसे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर एक्स इस फोर एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है देखो आप ध्यान से देखो ये तीनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इसका मतलब थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इज टू में वन एटी होगा क्यों क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ठीक है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा टेन एक्स इज टू में वन एटी डिग्री तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा वन एटी अपॉन में टेन जीरो से जीरो कट गया यहाँ आ गया एटीन डिग्री आपको वैल्यू किसकी निकालनी है फोर एक्स की तो वैल्यू ऑफ फोर एक्स कितनी आ जाएगी आपके पास फोर इन में क्या करोगे आप 18 डिग्री कर दो. X की X की कर दो दो की की जगह वैल्यू पुट ठीक है ना तो 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवनटी टू डिग्री आपका आंसर क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑपरेन बाय ज्वाइनिंग दम इन ऑर्डर पी क्यू आर एन एस देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है उसके बाद जो भी फिगर इन पॉइंट्स को जॉइन करके ऑप्टेन होगी उसका नाम बताना है ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक ठीक है ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मैंने ड्रॉ कर लिया ये एक्स हो गया वाई हो गया ये माइनस हो गया माइनस हो, हो गया और ये एक्स हो गया यहाँ पर ओरिजिन हो गया यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है देन ये माइनस वन हो गया ये माइनस टू हो गया ये माइनस थ्री हो गया ये माइनस फोर हो गया ये माइनस फाइव हो गया यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है यहाँ पर माइनस वन हो गया यहाँ माइनस टू हो गया यहाँ माइनस थ्री हो गया यहाँ माइनस फोर हो गया यहाँ माइनस फाइव हो गया यहाँ माइनस सिक्स हो गया प्लॉट करते हैं चलो यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर पी है माइनस थ्री और टू है तो माइनस थ्री एक्स है और टू ये माइनस थ्री और टू है ठीक है, है, है क्यू अच्छा, में माइनस सेवन है तो इसको और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा माइनस सेवन हो गया माइनस एट हो गया माइनस नाइन हो गया ठीक है अभी देखो क्यू आपको क्या दे रखा है माइनस सेवन और माइनस थ्री माइनस सेवन और माइनस थ्री ये आ गया आपके पास क्यू माइनस सेवन और माइनस थ्री क्लियर है उसके बाद आर है सिक्स और माइनस थ्री तो सिक्स प्लस का है और माइनस थ्री यहां पर आ जाएगा ठीक है तो सिक्स और माइनस थ्री ये है आपके पास आर देन आपके पास एस दे रखा है टू और टू तो यहाँ पर है टू और टू ठीक है ये हो गया एस टू और टू अब आपको इनको ज्वाइन करना है तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो कौन सी फिगर ऑप्टेन होगी ये आपको बताना है तो मुझको देखने में तो ये ट्रेपीजियम लग रहा है लग रहा है ना ट्रेपीजियम है ये पी क्यू आर एस तो पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम क्लियर क्वेश्चन नंबर नाइन क्लियर हो गया चलिए नाइन्थ क्वेश्चन था आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इसमें आपसे क्या कह रहे हैं इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर प्रूफ दैट रहा है? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप ये प्रूफ करो कि जो वर्टिकली अपि बन रहे हैं वो इक्वल होंगे ठीक है देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले एक फिगर बना लेते हैं जिसमें हम दो लाइन्स दिखाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स ठीक है तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ये यह बना ली ऐसे और एक लाइन ये बना ली ठीक है इसको नाम दे दिया मैंने यहां पर ए और यहाँ पर नाम दे दिया बी और ऐसे ही यहाँ पर नाम दे दिया सी और यहाँ पर नाम दे दिया डी तो देखो अब मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो एंगल इसको बीच वाले को नाम दे देते हैं कटिंग पॉइंट को ओ जो एंगल ए ओ डी है ना वो किसके बराबर है एंगल सी ओ बी या बी ओ सी के बराबर और जो एंगल ए ओ सी है ना वो किसके बराबर है एंगल बी ओ डी के बराबर है या फिर डी ओ बी के बराबर है ठीक है अपना सॉल्यूशन देखते हैं अब हम यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये एओ सी है आपके पास और जो एओ डी है ये दोनों एंगल्स का सम तो आपके पास वन एटी डिग्री होगा एओ सी और एओ डी इनका सम कितना होगा वन एटी डिग्री क्यों क्योंकि ये आपके पास क्या है लीनियर पेयर है एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं सी डी पे बनने नहीं बनने इसको आप अपनी इक्वेशन वन मान लो उसी तरीके से अगर आप देखो तो एक जो आपका एओ डी है ये वाला जो एंगल है और आपके पास जो ये वाला एंगल है बी ओ डी ये भी तो वन एटी होंगे ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने ए बी पे इनका सम भी वन एटी डिग्री होगा लीनियर पेयर इसको आप अपनी इक्वेशन टू मान लो और रीजन में लिख दो यहाँ पर ये आपके हैं लीनियर पेयर क्लियर अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर आप इससे देखो तो आपका जो एंगल ए ओ सी है प्लस जो एंगल ए ओ डी है वो किसके बराबर आ गया आपका एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के बराबर क्योंकि दोनों के इक्वल टू में राइट हैंड साइड पे वन एटी था तो मैंने इन दोनों को ही आपस में इक्वल रख दिया तो ये दोनों तो कट हो गए इसका मतलब आपका एंगल एओसी जो है वो किसके बराबर आ गया एंगल बी ओ डी के बराबर आ गया तो एक चीज तो आपको यही प्रूफ करनी थी एओसी जो है वो बी ओ डी के बराबर आ गया जब आपने ये प्रूफ कर दिया उसी तरीके से आप एओडी डी जो है वो सी ओ बी को भी बराबर प्रूफ कर देंगे तो बस यहाँ पर लिख दो सिमिलरली एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी ठीक है हैंड्स प्रूफ यही तो आपको प्रूफ करना था और यहाँ पर ये यह प्रूफ हो चुका है क्लियर तो ये आपके वर्कशीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले जो इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट आई थी उसमें भी आया था तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से कर लीजिएगा क्लियर है इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है कौन सी वर्कशीट आई हमारे पास वर्कशीट नंबर एट अब वर्कशीट नंबर नाइन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू